सीधे आपको जबलपुर लिए चलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। लाडली बहनों से संवाद भी होगा। आज लाडली बहना योजना की पहली किस्त मुख्यमंत्री जारी करेंगे। हमारे भैया बच्चों के मामा और दोस्तों के दोस्त श्री शिवराज सिंह चौहान जी जब मंच पे आएंगे तो गर्मजोशी से उनका स्वागत हो, तो इसमें जरा ताकत भरने की जरूरत है, तो फिर एक बार नारे लगेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं से संवाद करते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच तीन पात्र हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करेंगे। विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में चयनित पात्रों को हित लाभ वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और बेहद उत्सुकता से हम सभी इंतजार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आज एक अनूठी सौगात के साथ आज शुभारंभ हो रहा है। आज प्रथम बार राशि अंतरित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की। और प्रदेश की सभी लाडली बहनाओं को बेसब्री से इंतजार है इस पल का। लोकार्पण शिलान्यास के बाद भूमि पूजन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में चयनित पात्रों को हित लाभ वितरण करेंगे, जिसके अंतर्गत भू अधिकार पत्र दिया जाएगा पूजा गौड़ को, द्रौपदी गौड़ को, और नागरिक क्षेत्र में जो वर्षों से काबिज है उसके अधिकारों का पत्र भी दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जिसके अंतर्गत अर्चना सेन, किरण कोल, अंजना सोनी, मायाबाई विश्वकर्मा, कमलेश कुमारी, कौशल सिंह ठाकुर को धारण अधिकार पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना के अंतर्गत कुस्मानी चौधरी, कृष्णा गोटिया, संगीता कोल, ज्योति प्रधान, ममता लोधी को भी मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पत्र वितरण किया जा रहा है। आज अनूठी सौगात के साथ एक बार फिर मध्य प्रदेश देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा, क्योंकि आज यानी 10 जून को ऐतिहासिक दिन है। नया अध्याय जुड़ेगा जो स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा इतिहास में। इस दिन प्रदेश की गरीब एवं मध्य वर्ग की 1.25 करोड़ बहनों के जीवन में उल्लास उत्पन्न होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी अनूठी और सौगात के साथ हमारे बीच होंगे। सम्माननीय अतिथिगणों का आगमन हमारे बीच हो रहा है, उनका भी हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे साथ माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री गोपाल भार्गव जी मंच पर हैं, आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। साथ ही साथ सांसद श्री राकेश सिंह जी भी हमारे साथ मंच पर हैं, उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। सम्माननीय अतिथिगणों का स्वागत, अभिनंदन। आज के इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आज का दिन विशेष है, ऐतिहासिक है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के जीवन में उमंग उत्साह देखा जा रहा है। वे बहुप्रतीक्षित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सौगात है उसके अंतर्गत जो राशि प्रथम राशि का अंतरण होने जा रहा है, उसी कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुछ ही पल में होंगे। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ होती है, लेकिन आज का दिन विशेष है क्योंकि आज दिन है महिला सशक्तिकरण का, नारी की ओजस्विता का। तो आज कन्या पूजन के साथ साथ एक बहने बहना का सम्मान करेंगे, पूजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं महिलाओं के जीवन में एक नई किरण लाने के लिए, और अपने स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने अनूठी योजना बनाई, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और ये मुख्यमंत्री जी के दिल से निकली योजना है, जिससे लगभग आज 1.25 करोड़ महिलाएं मध्य प्रदेश में लाभान्वित होने जा रही हैं। इसी में ना एक कड़ी रहेगा, नोट कर लीजिए, महिला मोर्चा के द्वारा
फूलों के माला से स्वागत। मुझे यहाँ नोट करा दिया, पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन। और कुछ ही पल में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का आगमन हमारे बीच होगा। अनूठी सौगात के साथ वे हमारे साथ होंगे। एक अनूठी योजना, एक ऐतिहासिक पहल, न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश में पहली बार ऐसी योजना जिससे महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त होगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और परिवार की रक्षा वे बखूबी कर सकेंगी क्योंकि उनको आर्थिक संबल अब प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार इस राशि का अंतरण करने जा रहे हैं और लगभग 125 करोड़ महिलाएं इससे लाभान्वित होने जा रही हैं। अपनी बहनाओं को लाभान्वित करने के लिए उन्होंने ये योजना बनाई, ना सिर्फ एक महीने बल्कि पूरे साल इस राशि से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगी महिलाएं, जिससे वे खुद की जरूरतें पूरी कर सके, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। ऐसी अनूठी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना का आगाज किया और आज वो स्वर्णिम दिन, वो ऐतिहासिक पल मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। एक भव्य उत्सव के रूप में लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के उत्सव को मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज हमारे साथ जानी मानी कलाकार भी होंगी, प्राजक्ता शुक्रे, जो कि अपनी परफॉर्मेंस देंगे, जो कि जाना माना नाम है, इंडियन आइडल का नेम फेम है प्राजक्ता शुक्रे। वे भी कार्यक्रम के अंत में अपनी प्रस्तुति देंगी और उससे पूर्व मंच पर हमारे साथ सम्माननीय अतिथिगण हैं, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। मंच पर हमारे साथ माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय श्री राकेश सिंह जी, साथ ही सम्माननीय अतिथिगण, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और कुछ ही पल में कन्या पूजन के साथ आज के कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ होगा। और जैसा कि हमने देखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आपका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, क्योंकि आज का दिन खास है, महिलाओं के लिए खास है और अपने प्यारी बहनाओं के स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आपका स्वागत अभिनंदन किया। और आज इस कार्यक्रम स्थल पर हमने देखा कि विशेषकर आज